भाई साहब सुनिए एक सेकंड, एक बात जो ये JWD का ऑफिस है कि क्या है, कोई ठीक से बात ही नहीं सुनता यहाँ पे। भाई साहब सुनिए, ये कंप्लेन कहाँ होती है? कहाँ होती है यार, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ होती है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कहाँ होती है? पिछले एक महीने से यहाँ का चक्कर काट रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए। नहीं, कंप्लेन लिखता कौन है? कौन लिखता है यार, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन लिखता है। यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि कौन लिखता है। पिछले एक महीने से यहाँ कंप्लेन लिखाने के लिए मैं चक्कर काट रहा हूँ, कोई लिखता ही नहीं। तो सुनता कौन है? अरे कौन सुनता है यार। अरे भाई कमाल के आदमी हो तुम, बेफजूल के जवाब देते जा रहे हो। अरे आप प्रश्न ही बेफजूल का करते हैं मुझसे। क्या? अरे मैं पिछले एक महीने से यहाँ घूम घूम के परेशान हूँ, और ऊपर से आप मुझे ये कौन करता है वो कौन करता है ये कौन लिखता है, मैंने ठेका लिया क्या? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा ये कौन करता है वो कौन करता है, मैंने ये पूछा कंप्लेन कहाँ होती है। कहाँ होती है कंप्लेन? ओहो भाई कमाल के लोग हैं, कमाल का स्टाफ है, इन सब लोगों की कंप्लेन करूंगा मैं। कहाँ करूँ कंप्लेन, किसके पास जाऊँ करूँ कंप्लेन? सॉरी भाई साहब। भाई साहब मुझे कंप्लेन करनी है। भाई साहब सॉरी बोल तो दिया, आप कंप्लेन क्यों करनी है? नहीं सॉरी तो ठीक है, लेकिन मुझे कंप्लेन करनी है। कमाल के आदमी हो यार, जरा सी टक्कर क्या लग गई, मैंने तो सॉरी भी बोल दिया फिर भी कंप्लेन करने पे उतारू हो तुम। नहीं टक्कर की कंप्लेन नहीं करनी है। तो किसकी कंप्लेन करनी है? बात यह है कि मेरा नाम मुसद्दीलाल रस्तोगी है। अच्छा इसकी कंप्लेन करनी है? नहीं नहीं इसकी नहीं, मैं सेक्टर 1 में रहता हूँ। अरे तो इस बात की कंप्लेन हमसे क्यों कर रहे हो यार? भाई साहब मैं सेक्टर 1 के में रहने की कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्या है कि मेरे घर के पास में एक पुल टूट गया है, तो उस पर से जाने के बजाय लोग मेरे बगीचे में से होकर जाते हैं, घर को रास्ता बना लिया है। अच्छा तो ये बात है, सेक्टर 1? हाँ जी हाँ जी। वो तो ऊषा जी के अंडर आता है। अच्छा वहाँ जाओ। ये ऊषा जी कहाँ मिलेंगी? वो सामने बैठी स्वेटर बुन रही है। अच्छा जी थैंक यू। अरे 2 प्लेट समोसे भेज दे भाई। यस बोलिए क्या समस्या है? जी मैडम मेरा नाम मुसद्दीलाल रस्तोगी है। ये समस्या है? नहीं ये समस्या नहीं है, तो मेरा नाम है। तो समस्या क्या है? जी मैं सेक्टर 1 में रहता हूँ। ये समस्या है? नहीं नहीं ये समस्या नहीं है, मेरा पता है। तो समस्या बताइए ना। जी मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा है। ये समस्या है? ये समस्या नहीं है, तो आंगन है। अरे तो फिर समस्या क्या है वो बताओ ना, कब से नाम पता बताए जा रहे हो? मैडम जब तक मैं वो नहीं बताऊंगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि समस्या कहाँ है? हमें सब पता है समस्या कहाँ है, आप सिर्फ बता देंगे तो हम पता लगा लेंगे। मैडम क्या है, मेरे घर के पास में एक पुल है वो टूट गया है, तो सारा ट्रैफिक पुल पर से जाने के बजाय मेरे घर के आंगन से होकर जाता है, मेरे घर को रास्ता बना लिया है। तो तुमने रास्ते में घर बनाया क्या? नहीं नहीं मैंने रास्ते में घर नहीं बनाया है, घर में रास्ता बना लिया गया है। रास्ते में घर बनाओगे तो घर में रास्ता तो बनेगा ही ना। पर जब पुल था तब तक ठीक था। तो तुम क्या चाहते हो, हम पुल ठीक कराएं? जी मैडम। तो वो तो शुक्ला जी के अंडर आता है ना। नहीं पर भाटिया साहब कह रहे थे आपके अंडर आता है। वो सड़क जिसमें पुल है वो मेरे अंडर आती है, पुल तो शुक्ला जी देखते हैं। तो मतलब उनसे मिलना पड़ेगा? यही तो। ये कहाँ मिलेंगे शुक्ला जी? पूछो यही कहीं होंगे। जी भाई साहब ये शुक्ला कौन है? पहले आप बताइए आप कौन है? ये मेरा नाम मुसद्दीलाल रस्तोगी है, ये शुक्ला कौन है? पहले ये बताइए क्यों मिलना है? मुझे कंप्लेन करनी है। क्या? मैं सेक्टर 1 में रहता हूँ। ये कंप्लेन करनी है? नहीं नहीं मेरे घर के पास में एक पुल है जो टूटा है। हाँ और लोगों ने आपके आंगन से निकलना शुरू कर दिया है। हाँ आपको कैसे पता है? मैं भी रोज वहीं से निकलता हूँ। क्या? हाँ हाँ शॉर्टकट पड़ता है ना। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि वो पुल ठीक हो जाए और वो रास्ता मेरे घर के आने वाला बंद हो जाए। हाँ तो शुक्ला जी से क्यों मिल रहे हो, डायरेक्ट बड़े साहब से मिलो। अच्छा हाँ वो शुक्ला जी भी वहीं भेजेंगे ना, चक्कर कटाएंगे उसे। अच्छा पांडे जी से मिलो ना। ये बड़े साहब हैं? हाँ। ये कहाँ मिलेंगे? वो तो यहीं मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। नहीं नहीं मतलब बैठते कहाँ हैं? वो वहाँ सामने कैबिन में। ठीक है तो उनसे मिल के आता हूँ। ए भाई साहब कैबिन तक जाने का रास्ता यहाँ से नहीं है क्या? हाँ देखो कैबिन सामने है तो रास्ता तो यहीं से होगा ना। नहीं रास्ता यहाँ से जाता है। आपसे होकर जाता है? हाँ ऐसे 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 ऐसे। अच्छा अच्छा रिश्वत मांग रहे हो? नहीं नहीं नेवर नेवर नेवर, चाय पानी सिगरेट पानी। अरे क्या यार जरा जरा सी बात के लिए पैसे लोगे तो कैसे चलेगा? अरे ऐसे ही चलता है, अरे ऐसे ही चलेगा, लाइए लाइए। अरे प्लीज यार। अरे नहीं तो नहीं चलेगा ना फिर। ले लो पर नहीं फलेगा। ये नहीं चलेगा? अरे नया है चलेगा। अकेला नहीं चलेगा। सही ये लो अब चलेगा। हां चलेगा। ठीक है तो मैं जाऊं? तो क्या पीछे कुत्ता दौड़ रहा हूं? नहीं नहीं चला जाऊंगा। भाई साहब वो पांडे जी तो अंदर नहीं है। पता है क्या? हाँ कहीं बाहर काम से गए हैं बेचारे। अरे तो मुझे क्यों भेज दिया अंदर? भूल गया था, बहुत काम रहता है ना भाई साहब, याद नहीं रहता सब कुछ। तो अब क्या करूं? शुक्ला से मिलो।
उससे तो मैं पहले ही मिलने वाला था। तो क्यों नहीं मिले? तुम्हें तो मना कर दिया था। अरे वाह, मैं तो बोलूंगा कुएं में कूद दे तो कूदोगी? कूदूंगा, तुम्हें साथ लेके कूदूंगा। शुक्ला कहाँ है? वो वहाँ है। वहाँ बैठा जो पान खा रहा है? हाँ, सेम पुरानी आदत। हाँ, हमें 20 रुपए खर्च करवा दिए मेरे। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, याद रखूंगा मैं। हाँ, आप ही रखना, मैं तो भूल जाऊंगा। कहाँ से याद रखे, जब तुम पुल बना रहे थे तब लिए थे 25,000, अब थोड़ा और दे दो ना। क्या शुक्ला जी, अभी तक बिल तो पास हुए नहीं है। अरे पुल बन जाने तो बिल पास हो जाएगा ना। अब बन तो चुका है पुल, 1.5 किलोमीटर का पुल है, 1 किलोमीटर बन चुका है, बस आधा किलोमीटर बाकी है। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम जो 10 साल उसमें लगा दिए बनाने में, और जो 1 किलोमीटर बनाए थे तो टूट रहा है ऑलरेडी। हाँ शुक्ला, जरा सी दरार है, भर देंगे। आप बिल तो पास कराइए, पहले दिल साफ कर दो तब बिल पास कराइए। शुक्ला जी, बिल पास होगा तो दिल साफ करने का इंतजाम होगा ना। अरे दिल साफ होगा तब तो बिल पास करने का मूड होगा ना। भाई आप दिल साफ कर दीजिए ना तो वो बिल पास कर देंगे। जी मुसद्दी लाल रस्तोगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन, बेचते क्या हैं? जी मतलब कौन है, कहाँ से हैं, यहाँ क्यों खड़े हैं? जी मैं कंप्लेन लेकर आया था। अच्छा, तब तो वहाँ बैठिए भैया। जी देखो भैया, मीटिंग चल रही है, वहाँ बैठे जो बुरा कमाना। क्या धुलाए तो गाना, हम संगीतकार बोल रहे हैं, वहाँ बैठ जाए, जब बुलाए तब आना। कब बुलाएंगे? हम बुला लेंगे ना, आप जाके बैठ जाइए वहाँ। क्या है, 2 मिनट का काम है बस। अरे बस बुला रहे हैं ना, बैठ जाओ ना वहाँ। जी इक्विटी फंड डिविडेंड जे इक्विटी फंड ग्रोथ। क्या हुआ, मिले शुक्ला जी? मैं तो मिला पर वो नहीं मिला। क्यों? अरे कुछ जरूरी मीटिंग चल रही है। अरे जरूरी क्या, घूस खा रहा होगा, जाके बोलो ना कि भाई अर्जेंट काम है। बोला था, फिर से बोलो वरना यहीं लगे रहोगे पूरा दिन। गुस्सा ना हो जाए ना। नहीं नहीं, वो तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी है बेचारे। आप बोलिए कि अपना काम कराने आए हैं, ये प्रॉब्लम है, जाइए। ओके ओके ओके, जाता हूँ। ना भैया, 50 से 1.54 पैसा कम नहीं। क्या शुक्ला जी, लास्ट टाइम तो 30 दिया। ना 50 हो गई आपकी मीटिंग? हाँ अभी चल रही है, 2 मिनट बैठे ना वहाँ। हाँ बस एक जरूरी काम था मुझे। अरे तो 2 मिनट बैठ गई ना। मेरा भी बस 2 ही मिनट का काम है। अरे यार हम भी तो काम ही कर रहे हैं, कोई झक मार रहे हैं क्या यहाँ? अब मुझे पता है आप क्या काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिश्वत ले रहे हैं, घूस खा रहे हैं। आप 50 मांग रहे हैं, वो 30 दे रहे हैं। ये सब कौन बोल रहा है आपको? वो पटेल बोला। पटेल पटेल जी, जी शुक्ला जी। क्या बोल रहे हैं ये, तुम बोल रहे हो कि हम घूस खा रहे हैं? क्या मैंने बोला? हाँ वहाँ बोला ना। झूठ बोल रहे हो, ऑन द कंट्री मैंने ये कहा कि शुक्ला जी बेचारे जरूरी काम कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। तो क्या काम, घूस खा रहे हैं? अरे मैंने कब कहा? ऑफ कोर्स आपने कहा, ऑफ कोर्स। मैं मना कर रहा था कि मत, शुक्ला जी बेचारे सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, काम कर रहे हैं, आप बैठे यहाँ पे मत जाइए। तो बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, देख लेते हैं क्या कर लेता है शुक्ला। नहीं शुक्ला जी मैंने ऐसा नहीं कहा। झूठ मत बोलिए, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो शुक्ला जी आपकी बातों पर यकीन करेंगे या तो नहीं करेंगे। यकीन करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं किया तो 2 बातें होगी, या तो ये आपको यहाँ से भगा देंगे या तो आपकी बातें सुनेंगे। यहाँ से भगा दिया तो ठीक, मगर आपकी बातें सुनी तो 2 बातें होगी, या तो ये आपकी बातें सच मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। सच मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं मानी तो क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे क्या आप? शुक्ला जी आपकी बातें नहीं मानेंगे क्यों शुक्ला जी? हाँ नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। मानेंगे नहीं ना। नहीं नहीं, पर शुक्ला जी सुनिए तो। भैया आपकी समस्या क्या है? भाई मेरे घर के पास में एक पुल है। हाँ, पुल टूट जाएगा कल। नहीं, उसको तोड़वाना नहीं है, उसको बनवाना है। अब बनवा लो बेटा तुम। भाई ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। मैं सुबह से यहाँ पे परेशान घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर, और आप कह रहे हैं कि आप पुल नहीं बनवाएंगे। आप सच मानिए मेरी बात शुक्ला जी, मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। ये पटेल झूठ बोल रहा है। झूठ मत बोलिए, खुद झूठ बोले, मेरा नाम ले रहे हैं आप। देखिए मेरे लिए झूठे लोगों की कोई इज्जत नहीं, आप प्लीज। नहीं नहीं, पर शुक्ला जी मेरी अच्छा ठीक है तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। क्या यही कि आप लोग पुल के बारे में कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं? अरे भैया जब पुल के बारे में कंप्लेन नहीं लिख रहे तो हमारे बारे में कहां से तुम बोलोगे? भाई क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ। मेरे आंगन के अंदर लोगों ने रास्ता बना लिया, लोग मेरे बेडरूम में झांकते हैं। कुछ दिखता नहीं है। मैं कैसे बता, मैं रोज गुजरता हूँ वहां से। शर्मानी चाहिए आप लोगों को, मैं इतनी ज्यादा परेशानी में हूँ आप समझ नहीं रहे हैं। जब तक वो पुल ठीक नहीं होगा तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता है। प्लीज प्लीज शुक्ला जी, देखो भैया पुल का ऑर्डर हम पास करते हैं, लेकिन ऑर्डर तो ऊपर से आता है ना। क्या? हाँ पांडे जी से मिलो, शायद बात बन जाए। तो पांडे जी तो आए नहीं ना आज। हाँ तो कल आइए। कल पांडे जी के कहने से हो जाएगा? कहके तो देखो। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, वो पुल तो कब का टूटा हुआ। तो कब तक बनेगा? देखिए JWD का इस साल 50 पुल बनाने का लक्ष्य है, और ये पुल इसी में आता है। अच्छा अच्छा, और अपने लक्ष्य को पूरा करना हमारा लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य कब तक पूरा होगा? पिछली बार के लक्ष्य के पूरा होते ही।
दस साल पहले हमने 10 पुल बनाने का लक्ष्य रखा था और अभी 5वां चल रहा है। तो इस साल के लक्ष्य का क्या होगा? पिछली बार के लक्ष्य के पूरा होते ही। तो सर ये मतलब टाइम कितना लग जाएगा? एग्जैक्ट टाइम तो मैं खुद पुल नहीं बनाता हूँ ना। अच्छा अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के अपने मजदूर होते हैं, वो मजदूर कितना टाइम लगाते हैं, कितना लगाते हैं, क्या कुछ होता है, कभी सीमेंट की प्रॉब्लम, कभी बजरी की प्रॉब्लम, कभी रेते की प्रॉब्लम, इसलिए कुछ टाइम लग जाएगा। तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। सर आपको पता नहीं है, लोगों ने मेरे घर के अंदर से रास्ता बना लिया है। आप एक काम करिए, अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगवा दीजिए। सर मैंने लगवाई थी, लोगों ने तोड़ दी, कहने लगे हम यहीं से जाएंगे। वो लोग भी क्या करें, वो लोग बेचारे हैं, उस रास्ते से ना जाएं तो किस रास्ते से जाएं? गलती आपकी भी है। क्या आपको सड़क पे घर बनाना ही नहीं चाहिए था? नहीं सर, मैंने सड़क पे घर नहीं बनाया, लोगों ने मेरे घर के अंदर से सड़क निकाल ली है। हाँ बात एक ही है। तो अब क्या करूं? आप क्या करेंगे? जो कुछ करेंगे हम करेंगे। थैंक यू। क्या करेंगे? पुल बनाएंगे। थैंक यू। कब बनाएंगे? 8-10 साल लग जाएंगे। थैंक यू। क्यों? पहले पुराने पेंडिंग पुल करेंगे पूरे, उसके बाद। सर देखिए, तब तक तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते? ऐसे क्या मतलब, थोड़ा जल्दी कर दें। आप ऐसा तो नहीं चाहते कि आपके केस को हम प्रायोरिटी दें? हाँ हाँ सर, वही चाहता हूँ। क्यों? क्यों मतलब, इसलिए सर क्योंकि ये आपका फर्ज है। देखिए हमने आपकी कंप्लेन दर्ज कर दी, अब हम इस पे गौर करेंगे। तो कब तक ठीक होगा? इसी पे गौर करेंगे। कब पता करूँ? क्या मतलब यही के मतलब? आप पता करते रहिए, जैसे ही हमें पता चल जाएगा हम आपका पता दे देंगे। ठीक है जी। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं फिर 1 हफ्ते के बाद आता हूँ। हेलो, पांडे जी स्पीकिंग। हाँ जी हाँ जी। क्या? अच्छा, सेक्टर 1 के पास जो पुल, अच्छा उसके पास जो सड़क है? जी हाँ जी हाँ। अरे पूरी करवा देंगे बिल्कुल, सबसे पहले आपका काम ये। ओके बाय बाय। पटेल। यस सर। उषा जी कहाँ है? यही तो सर, यही रोड है, मतलब रोड थी नहीं, वो जो पुल टूट गया है ना उसके बीच में से लोगों ने रास्ता निकाला है। यहाँ पर तो घर भी है, तो इसके बीच में से तो लोग आते जाते हैं, तो लोगों को तो बड़ी तकलीफ होती होगी आने जाने में। यही तो सर, रास्ता कच्चा है ना, तो इसे पक्का करो। क्या? मंत्री जी को लोगों ने कंप्लेन किया है, इसलिए मंत्री जी ने ऑर्डर दिया है कि रोड को पक्का किया जाए। सर क्यों ना पुल बनवा दे? पुल कैसे बनवा दें? मंत्री जी ने सड़क बनाने का ऑर्डर दिया, पुल कैसे बनवा दें? इसलिए आज ही सड़क बनाने का टेंडर निकालो। ओके सर। अरे पटेल जी, पटेल जी। क्या हुआ? गजब हो गया। क्यों हुआ? गांगुली कैप्टनशिप से हट गया क्या? अरे नहीं, गांगुली की कैप्टनशिप की बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्या गजब हो गया? वो लोगों ने मेरे घर के अंदर से रास्ता बनाया था ना। हाँ हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, चकाचक एकदम पक्का। हाँ वही तो, वहाँ पक्की सड़क बना दी है। हाँ पहले बड़ी तकलीफ होती थी आने जाने में। अरे पर ये तो मेरे घर के अंदर का रास्ता था ना। आई नो, कल देखा था मैंने आपको, कपड़े धो रहे थे ना आंगन में। अरे भाई क्या करूँ, वो बाथरूम तोड़ दिया है ना, तो बाहर ही नहाना पड़ता है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे घर के अंदर के रास्ते को पक्की सड़क कैसे बना सकते हैं? अब एक काम कीजिए, आप उषा जी से मिलिए, सड़क का डिपार्टमेंट वो संभालती हैं। यही तो, पब्लिक ने कंप्लेंट की कि रास्ता खराब था, तो ठीक तो करना ही पड़ा ना। मैडम वहाँ पे तो रास्ता था ही नहीं। अरे कैसे नहीं था, रोज इतने लोग आते जाते थे वहाँ से। आप समझ नहीं रही हैं मैडम, वहाँ पे पुल टूट गया तो लोगों ने मेरे घर के आंगन में से रास्ता निकाल लिया। तो पुल बनवाना चाहिए था। वो तो आपको बनवाना चाहिए था ना। नहीं वो तो शुक्ला का काम है। पर सड़क तो आपने बनवाई है। हाँ वो मेरा काम है, तो आप उसे तोड़वा दीजिए। वो MTNL वालों का काम है। देखिए मैडम आप समझ नहीं रही हैं, कितनी ज्यादा परेशानी है, घर के अंदर से इतनी बड़ी बड़ी ट्रक आंगन में से निकलती है, आप वो रोड बंद कर दीजिए। मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा। देखो ये सड़क आती है सेक्टर 2 से, अगर तुम्हारे घर से पहले वो मुड़ जाए ना तो कुछ हो सकता है। तुम मुड़ दीजिए। वो तो भाटिया का काम है ना। क्या? हाँ सेक्टर 2 तो भाटिया के अंडर आता है। तो भाटिया कहाँ है? वो देर से आता है। पर आता तो है ना। मेरी समझ में तो नहीं आता भाई, देखो रास्ता तो आपके घर से जाता है ना। जी हाँ। तो पर उसको कैसे मोड़ दें, वहाँ पे मोड़ ही नहीं है। मोड़ नहीं सकते तो तोड़ दीजिए। क्या सड़क? हाँ हाँ। नहीं नहीं, उसके लिए तो हमारे CV डिपार्टमेंट वाले आएंगे ना, वो 2 दिन में आते ही होंगे। क्या? हाँ वो वेट ही करते रहते हैं ना कि हम सड़क बनाएं, और वो आए तोड़े और उसके अंदर पाइप डाले। नहीं नहीं, वो तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, सड़क टूट जाएगी तो फिर सारा ट्रैफिक जाम वहाँ पे हो जाएगा। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना। अरे भाई आप सड़क मोड़ नहीं सकते ना। कमाल है भाई, पुल नहीं बनवा सकते, सड़क नहीं मोड़ सकते, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखो आप एक काम करो। क्या? पुल तोड़वा दो। पुल तोड़वा? क्या? हाँ हम पुल वाले रास्ते से सड़क निकाल देंगे ना। अच्छा तो ठीक है तोड़ दो। तो ठीक है फिर, ये पुल वुल वाला मामला जो है शुक्ला देखता है। तो फिर मैं शुक्ला को देखता हूँ। हमें देखेंगे? नहीं नहीं वैसे नहीं देखेंगे। तो फिर कैसे देखेंगे? जैसे आप कहेंगे वैसे देखेंगे, आप हमें देखें। अब आपको क्या देखना, मतलब आप मेरे प्रॉब्लम को देखें।
देखिए भाई साहब, फिर प्रॉब्लम हम देखेंगे, ओके? सॉल्व नहीं करेंगे? अब कभी कहते हो प्रॉब्लम देखिए, कभी कहते हो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मतलब तो एक ही है ना शुक्ला जी। देखिए भाई, हम आपका मतलब नहीं समझ रहे। देखिए शुक्ला जी, मुझे पता है कि आप थोड़े डिफरेंट टाइप के आदमी हैं, मैं दे दूंगा। क्या? वही जो आपको चाहिए। अरे क्या चाहिए हमको? ये देखिए, हमें ये नहीं चाहिए, प्लीज। क्या? हाँ प्लीज, ये नहीं चाहिए। अच्छा। अरे नहीं नहीं, मतलब कम है, 1000 रुपए चाहिए, काम हो जाएगा। हाँ ये लीजिए, पूरे 1000 हो गए। ओके, काम बताइए जी। बात ये है कि मेरे घर के पास में एक पुल है। एक मिनट, घर कहाँ? जी पुल के बिल्कुल पास में है। पुल कहाँ? पुल घर के पास में है। अच्छा, दोनों कहाँ है? आसपास है। अरे यार, तू मेरे को सीधे से एड्रेस बता। 51/52 Sector 1। अच्छा, Sector 1 में जो पुल है? हाँ, जो टूटा हुआ है। हाँ हाँ, पता है। अब देखिए, मेरे घर के आंगन में से रास्ता निकाला गया है, वहाँ पे सीवर पाइप खोद डाला गया है, वहां पे खुदाई चल रही है, ट्रैफिक जैम होने लगा। एक कांस्टेबल वहां पे खड़ा हो जाता है, मेरी बीवी को देख के सीटी बजाता है। बहुत दुखी हूँ शुक्ला जी। तो आप चाहते हैं कि हम उस कांस्टेबल को मना कर दें कि सीटी मत बजाओ भैया? नहीं। तो मतलब बताए उसको कि बजाओ भैया? अरे ऐसे कैसे बजाएगा? अरे यार, कभी कहते हो कि सीटी बजाए, कभी कहते हो सीटी ना बजाए, आखिर पुलिस वाले से चाहते हैं क्या हो तुम? पुलिस वाले से तो मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वो पुल तोड़ दें। क्या? हाँ, और वहां पे सड़क बना दें। पुल तोड़ दें? जी। अरे भाई, पुल बनवाना हमारा काम है, पुल तोड़वाना काम नहीं हमारा। अरे तो भाई पुल बनवा दो। बनवा देंगे। कब? जब आपका नंबर आएगा। नंबर कब आएगा? नंबर आते ही हम आपको बता देंगे। तब तक वहाँ पे ट्रैफिक चलता रहेगा। अरे देखो भाई, वो सड़क हमने नहीं बनवाई, वो उषा जी ने बनवाई है, उन्हीं से जाके मिलो, वही सॉल्व करेंगे। उषा जी के पास जाता हूँ तो वो कहती है भाटिया के पास जाओ। तो जाओ। भाटिया कहता है शुक्ला के पास जाओ। तो आओ। आया। अब जाओ। कहाँ? पांडे जी के पास। पांडे? हाँ, आपकी समस्या बहुत बड़ी है, उसको बड़ा ही ऑफिसर सॉल्व करेगा। तो उसके बाद तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा ना? चलो ठीक है। एक मिनट एक मिनट, पांडे जी से मिलने से पहले पटेल से मिल लो। क्यों? वही बताएगा पांडे जी से मिलने का तरीका। पांडे नहीं, पांडे जी बोलिए, वरना मैं सड़क तो क्या पूरा घर खुदवा दूंगा। नाउ इट्स ऑल राइट, ओके, बाय बाय। पांडे जी? नहीं मुस्तफा जलाल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए पांडे जी, आप इतने बड़े साहब हैं, आपके लिए बड़ा छोटा सा काम है। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। पुल बनाना कोई मजाक है क्या? तो तोड़वा दें। ये भी मजाक है। जरा मेरी जगह पर खड़े होकर सोच कर देखिए, मेरे घर के अंदर गाड़ियां आती हैं, घर के अंदर ट्रैफिक जैम रहता। लेकिन अब तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया गया है। जी हाँ, जहाँ पे मेरा बाथरूम था ना, वहाँ पे लगा दिया है ट्रैफिक का सिग्नल। वहीं नीचे कांस्टेबल खड़ा रहता है, मेरी बीवी को देख के सीटी मारता रहता है। आपको पता है, एक फेलपुरी वाले ने वहाँ ढेला भी लगा लिया है, और चाय वाला भी वहाँ पे आ गया। मेरा घर तो घमासान हो गया। सड़क पे तो ये सब चीजें होती है। वो सड़क नहीं है, वो मेरा घर है। लेकिन अब तो सड़क है। वो तो पुल टूट जाने की वजह से ना। तो बनवा रहे हैं ना? कब? जब नंबर आएगा तब। अभी पता नहीं कब नंबर आएगा इस पुल का। मेरे घर को तो नेशनल हाईवे बना के रख दिया है, कोई भी गाड़ी लेके अंदर आ जाता है। ऊपर से आपने सड़क पक्की करवा दी है। जनता को कितनी तकलीफ होती है कच्ची सड़क में, और आप हैं कि अपने आंगन को पक्का करते ही नहीं है। भाई हम तो JWD वाले हैं, और JWD का तो फर्ज बनता है जनता के लिए वर्क करना। तो मेरे लिए वर्क नहीं करते? अब इतना फर्ज भी नहीं बनता। अच्छा, मतलब मैं कुछ नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं तो आदमी नहीं, मैं तो जनता ही नहीं हूँ ना। देखिए इमोशनल करने वाली बात मत करिए, हम कुछ करेंगे। क्या? कल हमारी मीटिंग है, उसमें अहम फैसला होने वाला है। हो सकता है कि आपके घर से सड़क को दूर कर दिया जाए। सच में? हाँ। कब? 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये गुड न्यूज आपके घर पहुंच जाएगी। अरे थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। इट्स ऑल राइट, आप जाइए। तो मैं ये गुड न्यूज सुनने के लिए आता हूँ। जा बेटा, ऐसी गुड न्यूज सुनाऊंगा कि तेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अरे पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, और बाकी सब लोग आ जाओ। क्या हुआ मुसद्दी जी? अरे आपको पता है मेरे घर पे लेटर आया है, इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि आप अपना घर सड़क से 15 फुट दूर कर लें। आपको कैसे पता? ये लेटर हमने ही बनाया है। क्या? यही तो, सरकार ने कानून बनाया है कि जिनके घर सड़क के किनारे है वो सड़क से 15 फीट की दूरी पर हो। और आपका घर तो सड़क पे ही है। नहीं नहीं, मेरा घर सड़क पे नहीं है, सड़क मेरे घर के अंदर से बनवाई गई है। भाई जो भी हो, रूल इज रूल, अब आपको अपना घर सड़क से 15 फीट दूर करना होगा। अरे ऐसे कैसे दूर कर लूंगा, घर के अंदर पहिए लगे हुए जो पीछे खींच के ले जाऊंगा। घर दूर करने का मतलब है घर को तोड़वाना होगा। हाँ तो तोड़ दो। तुम्हारा सर नहीं तोड़ दूंगा मैं, इतनी मेहनत से मैंने घर बनवाया है, मैं नहीं तोड़ूंगा। कोई बात नहीं, उसकी चिंता आप मत करें, हमारे आदमी आएंगे वो तोड़ देंगे। क्या पांडे जी, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे गुड न्यूज देने वाले हो, सड़क घर से दूर चली जाएगी। हाँ वही तो कर रहे हैं। क्या? देखो भैया, घर सड़क से दूर हो या सड़क घर से दूर हो, बात तो बराबर ही है ना। यही तो,
अब आपके घर में कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं होगी, ना ही ट्रैफिक वाला आपकी बीवी को सिटी मारेगा, ना ही कोई बेडरूम में झांकेगा। हाँ, फिर मत कहिएगा JWD वाले कंप्लेन नहीं सुनते। सुने कि नहीं सुने? अब तो कोई कंप्लेन नहीं है ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।